देखिए बिनानी सीमेंट को नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल से बड़ी राहत मिली। NCLAT ने कहा कि कंपनी और लेंडर्स मिलकर इंसॉल्वेंसी मामले पर फैसला लें। दरअसल बिनानी इंडस्ट्रीज ने कर्ज भुगतान का प्रस्ताव दिया। बिनानी ग्रुप के सीनियर ग्रुप एडवाइजर समीर काजी ने हमसे खास बातचीत की और कहा कि कंपनी कल क्रेडिटर्स के साथ बैठक करेगी जिसमें वो बैंकों के सामने सेटलमेंट प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। हम आपको ये भी बता दें कि अल्ट्राटेक और बिनानी इंडस्ट्रीज के बीच करार हुआ था जिसके तहत अल्ट्राटेक बिनानी सीमेंट में करीब करीब पूरी हिस्सेदारी 7,266 करोड़ रुपए में खरीदेगी। They have said to consider, but again it is up to the committee of creditors who we will be meeting tomorrow to take a decision. Our proposal yet holds good. We are committed to meet every liability. So we hope they accept our proposal tomorrow. Now currently the main focus is on resolution and a settlement out of court. So all the other references which had been made are parallelly working, but they are on the sideline. पीएनबी महाघोटाले के बाद बैंकों ने लोन लेने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने वालों के लिए पासपोर्ट डिटेल्स जमा कराने की डेडलाइन तय कर दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि ऐसे सभी कर्जदारों को 30 अप्रैल तक पासपोर्ट का ब्यौरा जमा करना होगा। अगर कंपनी के नाम पर लोन है तो डायरेक्टर्स को अपना ब्यौरा देना होगा। कंसोर्शियम लोन कर्जदार को लीड बैंकर्स के पास ब्यौरा जमा कराना होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैंक कर्जदारों के पासपोर्ट को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि CBS से भी जोड़ने पर विचार कर रहे हैं जिससे डिफॉल्ट की स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी किया जा सके।